Hello everyone i welcome you all right now we all are facing worse situation due to covid 19 pandemic during this pandemic we have seen many changes in our day to day life and as the time went on we embraced these changes in our daily life and we have proved that whatever the changes will come in life we will face all the changes in a same way as we are facing today the thing is that we are here for a reason and the reason is that iit bombay has declared the gate 2021 brochure and there are certain changes in the examination we are here to understand what are these major changes in gate 2021 mining exam so let's make a start on this topic first of all we will discuss about important dates regarding gate 2021 so finally, IITs have released a brochure in which the same data are mentioned for gate 2021 as shown on the screen. Apart from these dates, there are few things have been told by the IITs. As we all are aware of COVID-19 pandemic, right? But what will be the extent and impact of COVID-19 in the next 2021? For anyone, it's quite difficult to guess about it. That's why they choose in the same month to conduct the gate 2021 exam.

so we will discuss each one by one the first one is changes in qualification now gate 2021 ट्वेंटी वन में थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं यह मेजर चेंज इस साल के नोटिफिकेशन में देखा गया है फाइनल ईयर एंड पास आउट स्टूडेंट तो पहले से ही एलिजिबल थे तो अभी भी एलिजिबल हैं इसमें कोई चेंजेस नहीं है नेक्स्ट थिंग इज देयर इज नो एज लिमिट टू अपियर इन गेट सो एज लिमिट में भी कोई चेंजेस नहीं है ऑल्सो देयर इज नो अटेम्प्ट लिमिट इन अ गेट एग्जाम आप जब तक चाहें तब तक गेट एग्जाम दे सकते हैं अगर किसी कैंडिडेट का बैकलॉग पेपर है वो भी एग्जाम में अपियर हो सकते हैं एंड द लास्ट वन इज दैट योर स्कोर कार्ड विल बी वैलिड फॉर थ्री इस आई गेस दैट्स वाई थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल सो दीज वर द मेजर मॉडिफिकेशन रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट विच इज रिगार्डिंग द चेंजेस इन एप्लीकेशन यहां पे भी मेजर चेंजेस मिलते हैं इस बार गेट 2021 में टू न्यू पेपर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं फर्स्ट इज ई एस सेकेंड इज एक्स एच सो इस बार गेट 2021 में टोटल 27 पेपर हो गए हैं अब खास बात यहाँ पर यह है कि इस बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में थोड़ी चेंजेस हैं इस बार दो पेपर एक साथ दे सकते हैं लास्ट ईयर ओनली वन पेपर माइनिंग इंजीनियरिंग ही चूज कर सकते थे बट इस बार ऐसा नहीं है इस बार आपको दो ऑप्शन मिलेंगे या तो आप सिर्फ माइनिंग इंजीनियरिंग का बस पेपर दे सकते हैं या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग के साथ एक पेपर और चूज कर सकते हैं अब वो दूसरा पेपर कौन सा होगा उसके लिए आई ने कुछ कॉम्बिनेशन तैयार किए हैं कि पर्टिकुलर ब्रांच इन दो पेपर को सिलेक्ट कर सकती है माइनिंग ब्रांच में हम दो पेपर को ही चूज कर सकते हैं ब्रोशर के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉम्बिनेशन माइनिंग इंजीनियरिंग प्लस जी का है यहाँ जी जी स्टैंड फॉर जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमें माइनिंग इंजीनियरिंग तो कम्पल्सरी है उसके साथ हम जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स पेपर चूज कर सकते हैं एंड लास्ट कॉम्बिनेशन है माइनिंग इंजीनियरिंग प्लस एक्सी यहाँ एक्सी का मतलब है इंजीनियरिंग साइंसेज सो इसमें माइनिंग इंजीनियरिंग के साथ हम सेकेंड पेपर इंजीनियरिंग साइंस को चूज कर सकते हैं अब पहले आते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग में अगर आप ऑनली माइनिंग इंजीनियरिंग पेपर को सिलेक्ट करते हैं तो मार्किंग स्कीम एज यूजल है यहाँ फिफ्टीन मार्क्स का एप्टीट्यूड कंपलसरी है इस बार आई बॉम्बे ने मार्किंग स्कीम रिवील कर दी है सो थर्टीन मार्क्स की इंजीनियरिंग मैथ है एंड सेवेंटी मार्क्स माइनिंग सेक्शन के लिए डिसाइडेड है सो टोटल हंड्रेड मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है नेक्स्ट आते हैं अगर कॉम्बिनेशन में पेपर देते हैं तब मार्किंग स्कीम क्या होगी सो so अगेन आप कोई एक कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं या तो माइनिंग इंजीनियरिंग प्लस जी या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग प्लस एक्ससी सो यहाँ माइनिंग इंजीनियरिंग की मार्किंग स्कीम एज यूजल है क्योंकि पेपर तो वही है बट कॉम्बिनेशन में जो पेपर है उनकी मार्किंग स्कीम थोड़ी अलग है फर्स्ट कॉम्बिनेशन में सेकेंड पेपर जियोलॉजी एंड जियो है जिसमें बेसिकली टू सेक्शन है इस पेपर में फर्स्ट सेक्शन कंपलसरी है एंड सेकेंड सेक्शन में दो पार्ट है पार्ट ए जियोलॉजी का है एंड पार्ट बी जियो का है अब खास बात यहाँ पर यह है कि हमें जियोलॉजी एंड जियो, जियो में किसी एक को चुनना है एंड पेपर उसी सब्जेक्ट का आएगा जिसे हमने चूज किया है यहाँ या तो सेक्शन ए प्लस जियोलॉजी चूज कर सकते हैं या फिर सेक्शन ए प्लस जियो चूज कर सकते हैं दोनों का सिलेबस अलग है जिसको डाउनलोड करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल रखी है सो यहाँ मार्किंग स्कीम कुछ ऐसी है कि एप्टी तो सब में कॉमन है सो 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड रहेगा देन कॉमन सेक्शन 25 मार्क्स का एंड जियोलॉजी और जियो 16 मार्क्स का होगा मतलब अगर जियोलॉजी लेते हैं तो जियोलॉजी सिक्सटी मार्क्स की होगी या फिर अगर जियोलॉजी की जगह जियो लेते हैं तो जियो फिजिक्स सिक्सटी मार्क्स की होगी अब आते हैं सेकेंड कॉम्बिनेशन पर सेकेंड कॉम्बिनेशन का फर्स्ट पेपर तो माइनिंग इंजीनियरिंग है सो अगेन मार्किंग स्कीम सेम है सेकेंड पेपर यहाँ जी की जगह एक्सी है जो कि इंजीनियरिंग साइंसेस का पेपर है इंजीनियरिंग साइंसेस का पेपर बेसिकली तीन सेक्शन में क्लासिफाइड है फर्स्ट 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड सेकेंड में 15 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथ और ये दोनों कंपल्सरी हैं एंड थर्ड सेक्शन में हमें सेवन सब्जेक्ट्स मिलते हैं जिसमें हमें दो सब्जेक्ट्स को चूज करना पड़ेगा और यहाँ पर हर सब्जेक्ट थर्टी फाइव के होंगे सो so यहाँ पर हंड्रेड मार्क्स कम्प्लीट होते हैं अब यहाँ एक्सी पेपर के ऑप्शनल सब्जेक्ट को देख लेते हैं यहाँ हमें टोटल सेवन सब्जेक्ट्स के नाम दिए हैं जिसमें से आप कोई दो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जैसे के कॉम्बिनेशन में से ही कोई दो चूज करना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन माइनिंग के सिलेबस से, से सिमिलर है सो so यहाँ उनका बेनिफिट होगा सो so अब एप्लीकेशन फी के बारे में बात करते हैं यहाँ पर इंडियन कैंडिडेट्स के लिए एक पेपर की फी डिफाइन है यहाँ अगर आप एक पेपर लेते हो तो फी एज यूजल है बट अगर पेपर कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो फी जस्ट डबल हो जाएगी मतलब दो पेपर के लिए आपको जस्ट डबल पे करना पड़ेगा जैसे 750 वालों को 1500 एंड 1500 वालों को 3000 थाउजेंड पे करना होगा अब थर्ड मेजर चेंजेस हुआ है पैटर्न में गेट 2020 पेपर में दो पैटर्न थे एमसी एंड नेट बट गेट 2021 में एक न्यू क्वेश्चन पैटर्न मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन एम इंट्रोड्यूस किया गया है आइए कुछ एग्जाम्पल से इन्हें समझते हैं फर्स्ट पैटर्न है एमसी इसमें चार ऑप्शन मिलेंगे और इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा करेक्ट होने पर फुल मार्क्स मिलेंगे एंड इनकरेक्ट होने पर वन थर्ड मार्क्स माइनस होंगे बेसिकली इस पैटर्न पर निगेटिव मार्किंग है एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर है द डिले इंटरवल इन शॉर्ट डिले डेटोनेटर इज 25 फाइव मिली सेकेंड थर्टी मिली सेकेंड फिफ्टी मिली सेकेंड एंड थर्टी फाइव मिली सेकेंड सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ट्वेंटी मिली सेकेंड है अब यहाँ एक क्वेश्चन है इसके चार ऑप्शन भी गिवेन है इसका सही आंसर ए होगा सो so, हमें ऑप्शन ए क्वेश्चन पेपर में सेलेक्ट करना होगा देन आंसर आपका सही होगा सेकेंड टाइप क्वेश्चन पैटर्न है एमएसक्यू। क्यू इस पैटर्न में हमें एक क्वेश्चन मिलेगा जिसके चार ऑप्शन मिलेंगे और इसमें से हो सकता है कि एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो। फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी डिवाइस यूज इन हॉलेज अरेंजमेंट इज स्टॉप ब्लॉक बैक कैच सुपर एलिवेशन नॉन ऑफ दब यहां दो ऑप्शन सही हैं सो so, इसका आंसर ए एंड बी होगा इस तरह के क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है बट पार्शियल मार्किंग भी नहीं है यानी अगर एक सही और एक गलत ऑप्शन चूज करते हो तो आपको यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा बेसिकली इस पैटर्न के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए डीप नॉलेज होना नेसेसरी है एंड लास्ट पैटर्न है नेट का इस तरह के पैटर्न में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा ऐसे क्वेश्चन में हमें न्यूमेरिकल के आंसर डायरेक्ट पुट करना पड़ेगा आंसर सही होने पर फुल मार्क्स मिलते हैं एंड आंसर गलत होने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं इस क्वेश्चन में हमें पाउडर फैक्टर 10 पर के पर निकालना है यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा अब मान लीजिए मेरा आंसर 2.50 10 पर के कैलकुलेशन के बाद आता है सो so मैं डायरेक्टली 2.50 ब्लैंक स्पेस में फिल कर दूंगा और आंसर मेरा सही होगा यहाँ पर क्वेश्चन गलत तब होते हैं जब रेंज से बाहर हो आई I मीन mean अगर आंसर की रेंज टू 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 है तब तो आंसर सही है बट अगर रेंज 2.30 टू 2.30 है तब यहाँ पर आंसर गलत माना जाएगा बेसिकली यहाँ पर एक्यूरेसी चेक करते हैं पेपर में टोटल 65 क्वेश्चन होंगे कुछ वन मार्क के होंगे एंड कुछ टू मार्क के होंगे निगेटिव मार्किंग ऑनली एमसी में होगी एंड लास्ट चेंज हुआ है सिलेबस ऑल दो माइनिंग के सिलेबस में कुछ ज्यादा चेंजेस तो नहीं हुए हैं बट कुछ टॉपिक्स एड एंड रिमूव किया गया है टॉपिक्स एड ज्यादा हुए हैं एंड रिमूव कम और कुछ टॉपिक को इनडायरेक्टली हटा के न्यू टॉपिक को हाईलाइट कर दिया है देखा जाए तो न्यूमेरिकल वाले टॉपिक्स एड किए गए हैं एंड थ्योरेटिकल टॉपिक्स को रिमूव किया गया है स्टार्ट सेक्शन वन इंजीनियरिंग मैथ से करते हैं इंजीनियरिंग मैथ के लेनियर एल्जेब्रा टॉपिक्स में मैट्रिक्स के अंदर जो इनवर्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स था उसे अलग से हाईलाइट करके ऐड कर दिया गया है एंड इसके अलावा कैली हैमिल्टन थ्योरम को ऐड कर दिया गया है इसमें पुराने टॉपिक्स रिमूव नहीं किए गए हैं कैलकुलस पार्ट में मीन वैल्यू थेरम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स एल हॉस्पिटल रूल एंड टेलर थ्योरम को ऐड किया गया है इस पार्ट में भी कुछ रिमूव नहीं हुआ है हो सकता है कि इन सब टॉपिक्स को हम कैलकुलस के अंदर पढ़ते रहे हों बट इस बार हाईलाइटेड करके ऐड कर दिया गया है सो क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है वैक्टर कैल्कुलस में नो चेंजे अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कोई चेंजेस नहीं है प्रॉबेबिलिटी में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन हाइपोथिस टेस्टिंग एक्सपोनशियल डिस्ट्रीब्यूशन न्यू टॉपिक एड हुए हैं रैंडम वेरिएबल एक छोटा टॉपिक है सो so, प्रोबेबिलिटी में तो होगा ही बट यहां से उसे अनहाइटेड किया गया है सो रेंडम वेरिएबल भी रिमोट कैटेगरी में होगा बट इनडायरेक्टली हमें सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए से पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल मेथड में इंटरपोलेशन एड हुआ है और यहाँ पे भी कोई टॉपिक रिमोव नहीं हुए सो दिस इज द कम्प्लीट चेंजेस इन इंजीनियरिंग मैथ अब बात करते हैं सेक्शन टू की सेक्शन टू में एक न्यू सब्जेक्ट को ही एड कर दिया गया है यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट जियोलॉजी को ऐड किया गया है जियोलॉजी वैसे भी माइनिंग इंजीनियरिंग में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है सो इसको ऐड करना यहाँ पे एक अच्छा डिसीजन था खास बात यह है कि इसमें बेसिक जियोलॉजी के टॉपिक्स हैं तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है सो सेक्शन टू में यह मेजर पॉइंट था सेक्शन टू के सेकेंड सब्जेक्ट माइंड डेवलपमेंट में मेनली एक ही न्यू टॉपिक ऐड किया गया है रॉक टूल इंट्रैक्शन एप्लीकेबल टू मैकेनिकल कटिंग सिस्टम एंड देयर सिलेक्शन बट कुछ टॉपिक्स को यहाँ मॉडिफाइड करके हाईलाइट कर दिया गया है जैसे एक्सप्लोजिव एंड एनर्जेटिक्स ब्लास्ट डिजाइन प्रैक्टिसस इन सब टॉपिक्स को हाईलाइट कर दिया गया है इस सब्जेक्ट में से एक भी टॉपिक को रिमूव नहीं किए सेक्शन टू के थर्ड सब्जेक्ट माइंड सर्वे में न्यू टॉपिक बेसिक ऑफ जी एंड रिमोट सेंसिंग को एड किया गया है एंड फील्ड एस्ट्रोनॉमी को रिमूव कर दिया गया है नेक्स्ट सेक्शन थ्री में आते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कोई चेंजेस नहीं है जियो मैकेनिक्स में कुछ ऐड तो नहीं हुआ बट रॉक बस्ट एंड कोल बम्प को मेन सिलेबस से डायरेक्टली हटा दिया गया है बट बेसिक नॉलेज तो लेना ही पड़ेगा सो so, इस सेक्शन के थर्ड सब्जेक्ट ग्राउंड कंट्रोल में स्कैम्प एक न्यू टॉपिक ऐड किया गया है एंड कोई भी टॉपिक को रिमूव नहीं किया गया नेक्स्ट सेक्शन फोर में माइनिंग मेथड एज यूजल है माइनिंग मशीनरी में क्रशर को मॉडिफाइड करके कम्युनिशन मेथड एंड मशीनरी टॉपिक ऐड कर दिया गया है बेसिकली बात सेम है एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन मेथड बस है सेक्शन फाइव में सर्फेस इन्वायरमेंट में ई आई ए न्यू टॉपिक एड हुआ है एंड कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं है माइनिंग वेंटिलेशन में वेंटिलेशन प्लानिंग को वेंटिलेशन सर्वे एंड प्लानिंग कर दिया है सेम नो टॉपिक रिमूव एंड इस सेक्शन में सब सर्फेस हजार्ड को अंडरग्राउंड हजार कर दिया गया है इसमें दो न्यू टॉपिक ड्रेनेज एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान फर्दर नो रिमूवल सेक्शन सिक्स में माइन इकोनॉमिक्स में कुछ न्यू एड नहीं हुआ बट माइन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस को रिमूव कर दिया गया है और जो सबसे ज्यादा टॉपिक एड हुए हैं वो है माइन प्लानिंग इस सब्जेक्ट में माइन प्लानिंग एंड इट्स कंपोनेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ माइन साइज एंड माइन लाइफ अल्टीमेट पिट कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स डिटरमिनेशन, ऑप्टिम मिल्क कट ऑफ ग्रेड एंड इट्स डिटरमिनेशन, स्टॉप प्लानिंग डिजाइन ऑफ हॉल रोड सिलेक्शन ऑफ माइनिंग सिस्टम इक्विपमेंट सिस्टम ये सारे टॉपिक्स न्यू एड हुए हैं सिस्टम इंजीनियरिंग में डिसीजन ट्री इंक्लूड हुआ है एंड बेसिक ऑफ सिमुलेशन को रिमूव कर दिया गया है सो दीज आर द मेजर चेंजेस इन गेट 2021 माइनिंग एग्जाम थैंक यू वेरी मच यहां तक वीडियो देखने के लिए सो so, प्रिपरेशन अभी से करना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि इस बार एमएस क्यू पैटर्न क्वेश्चन शामिल होंगे जहाँ फंडामेंटल नॉलेज होना काफी जरूरी है सो इट्स इनफ फॉर टूडे इट्स मी नाउ साइनिंग ऑफ टेक केयर थैंक यू